हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीएमए हब। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने सीएमए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उसकी वैलिडिटी कैसे चेक करनी है। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे आईसीएमएआई की वेबसाइट पर। यहाँ पर हम राइट कॉर्नर पर जाएंगे स्टूडेंट्स कनेक्ट पर। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हम फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर स्टूडेंट ई सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद आपने जाना है डिनोवो एप्लीकेशन पर। रिनोवो एप्लीकेशन इज़ बेसिकली ए सर्विस प्रोवाइडेड बाई आई सी एम आई टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद कुछ इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एज ए यूज़र नेम डालना है। मैं इसको डाल कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है। पासवर्ड बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ ही होगा। आपने उसको सिंपली फॉर्मेट में डाल देना है। या मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ एंड साइन इन कर देता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये मेरा एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन डेट है इसकी वैलिडिटी बता देगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 30 जून 2029 तक मेरी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी बताई जा रही है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।